Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो. Thank you, thank you, Kapil. आप best लग रहे हो. Oh, thanks, babes. भूमि जिस भी फिल्म के लिए आती है सुपर डुपर हिट हो जाती है. अच्छा आपको कभी कभी मलाल नहीं होता कि जो लड़का मेरे लिए लकी था वो मेरे हाथ से निकल गया? होता है, इसलिए तो मैं बार बार शो पे आती हूँ. आइए आइए, बड़ा स्वागत है आपका. आइए बैठ के बातें करते हैं. थैंक यू, थैंक यू. पति पत्नी और वो, आप सबने ट्रेलर देखा होगा, बड़ी मजेदार फिल्म है. आपको सबको पता है कार्तिक की जो पहली फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा 2, आगे इनकी पता कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, लव आजकल 2, यहाँ तक कि पति पत्नी और वो में भी इनका नाम चिन 2 है. कार्तिक, हम क्या समझे, आपको दो नंबर के काम ज्यादा पसंद है? सर, हर दूसरी फिल्म मेरी है. शाबाश, यस. भूमि, इस फिल्म में आप अपने हस्बैंड की जासूसी कर रही हैं काफी. जासूसी? रियल लाइफ में कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ी किसी की जासूसी करने की? आपको लगता है कि अगर कोई मेरे साथ रियल लाइफ में होगा उसे? शाबाश. अच्छा, वैसे आप देख रहे हैं भूमि जो है कितनी स्टाइलिश है, यू नो, पूरी मतलब अच्छा लगता है देख के इनको. लेकिन आप इनके फिल्मों में इनके कैरेक्टर के नाम देख लो, सब मेरी मम्मी की सहेलियों वाले. आप संध्या, जया, सुधा, इंदुमती, चंद्रो. आपका दिल नहीं करता आपका भी नाम ऐसा हॉट सा हो? पू निशा ऐसा. आपने कभी बोला नहीं स्क्रिप्ट राइटर को कि नाम तो लिख दो, नाम से क्या होता है? मैंने बोला, मैं तो बहुत चीजें बोली है. मैंने तो ये भी बोला है कहीं मुझे यूपी के बाहर जाके शूट करा लो, क्योंकि सुनता कौन है. मैं मतलब जो यूपी में पिक्चर एक कर, बहुत अच्छा स्टेट है उत्तर प्रदेश, हमें बहुत प्यार दिया है. लेकिन मैं तो बोलती, मैंने कहा नेपाल ले जाओ शूट कराने, बस आउटडोर किसी लोकेशन में ले जाओ, मैं भूटान चली जाऊंगी. लक्षद्वीप भी चलेगा, बस उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाओ. वाओ, कितनी ऑर्गेनिक ड्रेस पहनी है आपने. आने वो पूरा वो आ रहा है ना, वो जो ये लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? अनन्या, फेदर. फेदर, फेदर, फेदर्स. या वाओ, लवली वेदर विद फेदर्स. थैंक्स अनन्या, बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू, मुबारक हो आपको आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए. थैंक यू. अच्छा, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर करी थी ना अनन्या ने, ये विल स्मिथ से मिली थी जी, अभी हाल ही में केटी पेरी से मिली, आज मुझसे मिल रही हैं आप. सो लकी यार, सो लकी. पर आपको कैसे लग रहा है, मैं 6 महीने के बाद आई हूँ, आपने मुझे मिस किया? मेरा तो हर हफ्ते चलता ही है ना. आई मीन मिस करता हूँ मैं, ऑफ कोर्स. एक्सक्यूज मी, देयर इज इंस्टाग्राम, मैं वहां पे फोटो वगैरह देख लेता हूँ. तब मैं ऐसे ही बोल रहा था कि विल स्मिथ से मिली केटी पेरी से आज मुझसे, तो डे बाय डे जो आपकी तरक्की हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. अभी थोड़े दिन पहले हाउसफुल 4 के लिए चंकी सर आए थे यहाँ पे, उनकी फिल्म हाउसफुल 4 जो है बहुत बड़ी हिट हो गई. अच्छा अनन्या, पापा ने आपको पार्टी दी हाउसफुल 4 के बाद, कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वाली भी हिट होने दो, तुम्हारे प्रोड्यूसर से स्पॉन्सर कराएंगे. आपको लगता है मेरे पापा पार्टी देते हैं? नहीं लगता, मैंने इसीलिए कंफर्म किया. नहीं, उन्होंने नहीं दिया. आई थिंक मैं उनके लिए पार्टी रखूंगी अब जब ये हिट होगी. वेरी नाइस. पता, चंकी सर ने खुद कहा, कहते मैंने तो अपनी जितनी बर्थडे पार्टीज मनाई मैंने स्पॉन्सर कराई, एक्चुअली सामने थी. हाँ, मैंने अटेंड भी की है वो स्पॉन्सर्ड पार्टियां. ही स्टार्टेड द ट्रेंड. क्या ख्याल है, पोर थिंग शी इज हाइडिंग अवे. अनन्या, जब आपका बर्थडे होता था, पापा खुद से खर्च करते थे पैसे के, स्पॉन्सर होता था बर्थडे? लास्ट वाला स्पॉन्सर्ड था. हाँ, ऑन इंस्टाग्राम. आई कांट रिवील दिस. नहीं, मम्मी पापा दोनों. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दूसरे के बॉयफ्रेंड पे नजर रख रही है अनन्या, इसमें ये दूसरे के पति पे नजर रख रही है. अच्छा, फिल्मों में तो आप दूसरों के फिक्स डिपॉजिट पे नजर रख रही है, पर्सनल आपका कोई अकाउंट खुला है अभी तक के? नहीं, ये आपके फैंस जानना चाहते हैं. देखिए, नहीं नहीं, मेरी उम्र बहुत कम है बैंक जाने की. अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना कार्तिक के जो पापा बने हैं वो इनको कह रहे हैं कि 10वीं कर ले, उसके बाद आराम ही राम है. जैसे मेरे घर वाले कहते थे कि तू नौकरी लग जा फिर आराम ही राम है. जैसे अर्चना जी को किसी ने कहा कि किसी की कुर्सी पर बैठ जाओ फिर आराम ही राम है. Yes! Good one. तो ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपके पेरेंट्स ने
किस चीज के बाद आपको आराम बताया? होता नहीं घर पेरेंट्स का होता कि तू ये कर ले उसके बाद आराम ही आराम है। अब वहां से शुरू करते हैं अनन्या, पापा ने क्या बोला आपको कि बेटा ये कर ले? आई थिंक बचपन से ही आराम ही आराम, बस तू पैदा हो जा आराम आराम ही आराम। पापा मतलब अच्छा, तो आपको कोई इतनी टेंशन कभी पेरेंट्स ने दी नहीं? नहीं। भूमि, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा आपको कि बेटा ये कर ले फिर आराम ही आराम है? नहीं यार, कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ड्रामेटिक्स करनी है कर लो, जो करना है कर लो। वाह, बहुत ही इवॉल्व्ड लिबरेटेड हाउसहोल्ड है मेरा। मैं इस व्यू से थोड़ी अलग बात करना चाहती हूँ कि वो हमेशा गलत नहीं हो सकती है। पति पत्नी और वो में कभी वो ऐसी भी हो सकती है जो कोई इंस्पायरिंग गर्लफ्रेंड हो जो उसको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करे। कभी दूसरी कोई चीज़ जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वेट लूज करना या ऐसी कोई अच्छी चीज़ों में उसको इंस्पायर करे। हाँ जी। और और दूसरी बात, कभी ऐसा भी हो कि उसको देखकर पत्नी इंस्पायर हो जाए और पति की ज्यादा प्यारी होने की कोशिश करे। कपिल सर, आप ऐसे इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई वो शुड बी अ गर्ल, वो शुड बी अ मैन जो पत्नी के लिए हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नाउ आई स्टैंड अप एंड डू दिस। यस यस यस। कार्तिक, कैसे? हाय हाय, कैसे? थैंक यू थैंक। और टीआरपी कैसा है? टीआरपी वाह, आज तो एकदम चाइनीज माफिया लग रही है ये। युवाओं के लिए पूरा एसएल वर्ल्ड बनाया है आज खेलने के लिए। ये नारियल का तेल, ये सरसों का तेल, जरा इसको मिक्स करके दो ना। बैठ इधर। ये क्यों करेंगे मिक्स? हाँ। अच्छा, मेरे मामा का गाना रिमिक्स कर सकते हैं, मेरा तेल मिक्स नहीं कर सकते। वाह, गुड वन, गुड वन। वाह, ये बॉलीवुड का हीरोइन लोग का बहुत अच्छे है। हाँ। चाइना वाले मिसाइल बना रहे, हाँ। अमेरिका वाले बम बना रहे, हाँ। ये लोग आंखियों से गोली मार रहे ली। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे को आपसे पूछने का था, ये जब आप लोग आंखियों से गोली मारते हैं तो आंखों में काजल लगाते क्या बारूद? कितना अच्छा लग रहा है ना कपू, पति पत्नी आए ले। पति पत्नी और वो आए? नहीं, तेरे को मालूम नहीं क्या? क्या? वो तो मैं हूँ। नहीं, लेकिन फिल्म में वो तो अनन्या है। नहीं नहीं, अनन्या तो वो वाली वो है। मैं वो वाली वो हूँ। ये क्या कर रही है? ये क्या? ये क्या? इससे प्रॉब्लम है तो क्या तेरे को? मेरे को समझ में नहीं आया ये वाली बोल। अमित जी ने पा में ऐसे ऐसे किया, सिंगम में अजय देवगन ने ऐसे ऐसे किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने किया तो प्रॉब्लम है? दोहरी मानसिकता का विरोध करेगी मैं। इनसे भी बात करेंगे, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो इधर का पास बनाया है ना? आप आते रहते, बहुत अच्छा लगता है। आपके मसाज होते इतने अच्छे हैं। अरे थैंक यू, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप काम भी बहुत मस्त करते, साइंड किया, क्या काम किया, जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा। इस पिक्चर का भी ट्रेलर बहुत मस्त लगा मेरे को, बहुत अच्छा है। बच्चे लोग का सवाल था कि जैसे आप भूमि है, ठीक है, तो आपकी और कार्तिक की शादी होगी, तो आप लोग को बच्चे होंगे या घास? ये क्या बकवास कर रही है? तेरे को बकवास लग रहा है? मेरे पास तो इससे भी बकवास वाला था, वो तो बोला नहीं मैंने। बोलूं क्या? क्या बता? बोलो, बोलो, बोलो। तेरे को मालूम है क्या? सुनील शेट्टी इनका बेटा है। किनका? इनका। कैसे? हाँ, बोलता रहता नहीं, धरती मेरी माँ है। नहीं।
अंगूर दे दो, अंगूर दे दो. मजा आता है अंदर से. तो कुछ और ही हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है. अच्छा आपने वो पिक्चर में काम किया था टॉयलेट एक प्रेम का था, तो एक सवाल था ये एक्चुअली मेरा नहीं अर्चना जी का था. टॉयलेट में लड़के लोग जो नंबर लिखते बोलते मैंने बहुत टाइम फोन किया, फोन तो कोई उठाते ही नहीं. आपने बोला था मेरे को बोलने के लिए क्या है. मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा. मुझे डर लगता है. अंगूर रख, खुद रख ले, शूट में भी कम करना. अनन्या फिल्मों में अनन्या अनन्या प्रकार के रोल कर रही है. और अनन्या अनन्या लोगों ने आपको अनन्या अनन्या बधाई दिया है. और आप मेरे को पता है आपको भी भूख लगी है. आप भी अनन्या अनन्या खा लो. हाँ मैं बता रही है. कार्तिक ये आपकी वो है ना पिक्चर में, इनसे जरा थोड़ा बच के रहना. क्यों? क्योंकि क्या चंकी पांडे जी की बेटी है. हाँ. पूरी पिक्चर में प्यार करेंगी, एंड में आके बोल देंगे आई एम जोकिंग. खैर अभी धंधे की बात करती है मैं. आई हैव मसाज पार्लर. आई नो यू नो आप लोग का है. आई नो अलग अलग टाइप का मसाज है. आपके लिए खास मसाज है पति पत्नी और वो मसाज. अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है पति और वो. हाँ. हम लोग कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और कुर्सी पे बिठा देते हैं. कुर्सी पे बिठा. फिर पत्नी को बुलाते हैं. Okay. फिर okay. पत्नी पति को वो के साथ देखती है. हाँ. Oh. फिर बाकी मसाज वही करती है. ऐसा रहता है. पेट दुख गया यार. फिर आप लोग का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मेरे को पिक्चर. तो हमारे पास ट्रेलर मसाज है आपके लिए. इसमें का कस्टमर कपड़ा उतारते हाँ. और तेल लगा के छोड़ देते. बाकी मसाज बहुत हो ही नहीं. तो ट्रेलर है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ट्रेलर है. फिर आपका एक गाना आया था धीमे धीमे. धीमे धीमे मेरे को बहुत मस्त लगा. तो धीमे धीमे मसाज चालू किया हम लोगों ने. इसमें क्या है? इसमें हम कस्टमर को बुलाते हैं फिर उसका कप. धीमे धीमे है ना, तो धीमे धीमे बोलेगी मैं क्या कर रहा है. फिर बहुत हो गया मेरे में चलती है. वो आपकी दोस्त है ना तापसी. हाँ. वो पिछली बार आई थी अपना पुन्नू छोड़ गई अंदर. पन्नू छोड़ गई. तो नहीं एक्चुअली उनको रीडिंग का शौक है. हाँ. वो चार पन्नू की किताब लाई थी. तो दो पन्नू मेरे पास रह गया मेरे को दे देने का उनको. मैं चलती हूँ. बाय. तो आप सब जानते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं. उड़ने दो. पर हम क्या कभी कभी कंफर्म कर लेते हैं. तो अफवाह ये है भूमि आपने फिल्मों में इतने सारे पत्नी के रोल कर लिए हैं इसलिए आप वेरिएशन देना चाहती हैं और अगली फिल्म में आप भूतनी का रोल कर रही हैं. ये सच्ची बात है? हाँ. अच्छा अफवाह नहीं है ये? अफवाह नहीं है. भूतनी का रोल कर रही हैं आप? हाँ. कौन सी फिल्म में? अब वो मैं क्यों बताऊँ. अब आपने इतना कुछ ढूंढा था वो भी ढूंढो. कार्तिक की कफा ये कि आपने धीमे धीमे सॉन्ग जो है एक ही टेक में इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको पता था ये सॉन्ग एक ही टेक में ओके कर दिया तो सेट पे जितनी भी लड़कियां हैं सब आपको किस करेंगी. ये वीडियो भी मैंने देखा है. ये मैंने भी देखा है. हाँ, रियल लाइफ में मैंने देखा ये है. रियल लाइफ किया भी है. तो ये नहीं मैं थी जब वो लड़कियों ने उसे किस किया. वो कौन थी लड़की? हाँ, किस किया? हाँ. कौन थी वो? वो डांसर्स है, कोरियोग्राफर सब ने. बॉस्को सर ने बेसिकली बोला था कि ये एक वन शॉट करते हैं. अगर ये वन शॉट होता है तो सब लड़कियां बोल रही थी कि कुछ तो पता नहीं उनका था कि किस करना है. किसी ने बोल दिया. मैं तो दो घंटे का शो एक ही टेक में कर लेता. सपना आएगी ना किस करेगी तेरे को. यही बचा मेरी किस्मत में. चलो एनीवेज अनन्या कफा ये कि ट्रेन में आपका हाफ टिकट लगे इस चक्कर में चंकी सर ने आधार कार्ड पे आपकी उम्र 14 साल लिखवाई. हाँ ये ट्रू है.
जब हम डिज्नीलैंड और सब जाती थी वे मेरी उम्र बहुत कम बताते थे तो मुझे चाइल्ड की टिकट पे डालते थे लाइक सच में स्पॉन्सर्ड पार्टी चंकी सर आई लव यू वी ऑल मस्ट लर्न इनको होना चाहिए हमारा वित्त मंत्री है ना बड़े अच्छे से पैसा मैनेज करेंगे मैनेज क्या जाने नहीं देंगे कहीं वाओ नन्नेश थैंक यू बताने के लिए भूमि एक अफवाह है कि सांड की आंख के बाद आपका निशाना इतना अच्छा हो गया है कि पान खा के सीधा डस्टबिन में निशाना मारते हैं मेरा निशाना इतना अच्छा हो गया कि मैं सिर्फ अखियों से गोलियां मारती हूँ कपिल तुम्हारी अफवाह गलत है वाओ पढ़ी कब से कार्तिक आप बहुत सारी फिल्मों का सीक्वल कर रहे हैं जैसे दोस्ताना दो लव आजकल दो एक अफवाह है कि पा का सीक्वल पा दो भी कर रहे हैं अफवाहें पा दो वो भी ला दो वो भी ला दो ही इज रेडी ओके तो ये कुछ सवाल हैं आपने इतने दिन साथ में शूट किया है आप काफी सारी बातें जान चुके होंगे तो हम आपको यस और नो वाले ये ऐसे प्ले कार्ड दे देंगे तो आपको बताना है हाथ खड़ा करके कि आपने वो किया है या नहीं किया या नहीं ओए साड़ी से मैचिंग अच्छा ये रेड नो ही मैचिंग है यस नहीं यस इज मैचिंग मी ओके तो आप तीनों ने कभी बिना ब्रश किए ब्रेकफास्ट किया है हमेशा हमेशा या या ऑफ कोर्स मैंने भी वो अच्छा होता है वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट बिना ब्रश किए करना चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए वो डॉक्टर है ना मम्मी पापा तो वो बोले डॉक्टर साहब शर्या मना कर रहे ओके आप में से तीनों ने कभी किसी फैन के साथ फ्लर्ट किया है नहीं नो नो यस किया यू हैव नो नो अरे भूमि ये कब की बात है कपिल बचपन से लोग मेरे फैन हैं अच्छा और बाकी तो मैं क्या कहूँ ये थी डिप्लोमेसी कि बचपन में कभी फ्लर्ट कर दिया था जाने हैं मेरे फैंस जिनकी मैं भी फैन हूँ ओके बिना इनविटेशन किसी की शादी पे गए हो यस रियली बहुत बार मेनी टाइम्स बहुत बार मेनी मेनी ये तो चंकी सर ही ले जाते होंगे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़